इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ जो कि होने वाला है हिना खान नाम का इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी एट द टाइम बहुत ही ज्यादा सेक्सी भी लग रही है। सो या गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं उनका इंस्पायर्ड मेकअप लुक। और अगर आपको ये मेकअप वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये मेकअप लुक कैसे अचीव करना है। फर्स्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ एमरजेंसी बेबी का मॉइस्चराइजर अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना M&M का प्राइमर। सो यार अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना लैक्मे परफेक्टिंग का फाउंडेशन। मैं करूंगी अपना आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ अपना लैक्मे परफेक्टिंग का फाउंडेशन एज अ आई बेस। फाउंडेशन को सेट करूंगी अपने मैक लूज पाउडर की हेल्प से। आईब्रोज को फिल करूंगी। जैसा कि हमने पिक में देखा है हिना खान की जो आईब्रोज है उन्होंने काफ़ी थिक फिल करी है या फिर बट उनकी इतनी थिक आईब्रोज नहीं है। सो यार मेरी ऑलरेडी इतनी आईब्रोज हैं तो मैं अपने हेयर्स की डायरेक्शन में ही नॉर्मली मेरे जो आई शेप है उसी शेप में मैं इसे फिल करूँगी। मैं आईब्रोज फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना ADS का द रॉकस्टार पैलेस में से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन शेड। आईब्रोज को कॉम कर लूंगी इसे बहुत ही ज्यादा नेचुरल। मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी अपनी क्रीज लाइन पर कलर प्लेस करूंगी। पहले मैं यूज करूंगी डार्क लाइट ब्राउन शेड और उसके बाद मैं यूज करूंगी डार्क ब्राउन शेड अपनी क्रीज लाइन पे। हिना खान ने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मेकअप किया हुआ है अपनी आईज का, उन्होंने सिर्फ अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करा एंड लिट पे बहुत ही लाइट कलर प्लेस करा है। सो यार हम भी उन्हीं की तरह एकदम सटन मेकअप करने वाले हैं। अब मैं अपनी पैलेट में से यूज करूंगी डार्क ब्राउन शेड अपने सिर्फ आउटर वी पे फोकस करके ब्लेंड करूंगी। सो या गाइस अब मैं यूज करूंगी सेम पैलेट में से ये ब्यूटीफुल गोल्डन एंड ये हाइलाइटर शेड मिक्स करके अपने लिट पे प्लेस करूंगी। सिंपली अपने फिंगर की हेल्प से प्लेस कर रही हूँ। ऐसे सारे आई शेडोज को ब्लेंड कर लूंगी। आईलाइनर के मैं यूज कर रही हूँ अपना ब्लू हेवन का आईलाइनर, जिसमें से कि मैं सिंपली बोल्ड आईलाइनर लगाऊंगी क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बोल्ड आईलाइनर अप्लाई करा हुआ। विंग आईलाइनर को हम अप्लाई नहीं करेंगे, लिटिल स्मॉल से टिप निकालेंगे बाहर। मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ अपना इन कलर का मस्कारा, उस
उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी अपनी फॉल्स आईलैश। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं इसको लैक्मे परफेक्टिंग का फाउंडेशन। फाउंडेशन को सेट करूंगी अपने लूज पाउडर की हेल्प में। यूज़ करें अपना मैक का लूज पाउडर। अपनी ऐसे फार के आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं यूज करूंगी ब्यूटीफुल ब्राउन शेड अपने ब्रॉन्ज लाइन पे, आई मीन अपने हॉलोज ऑफ चीक पे। अपने फेस को थोड़ा बहुत लिटिल बिट ब्रॉन्ज करूंगी। एंड लिटिल बिट अपनी जॉ लाइन पे। सो या अब सेम पैलेट में से मैं यूज करूंगी ब्यूटिफुल पिंक पीची कलर। आई विल शो यू व्हिच आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल पीच पिंक कलर अपने चीक्स को लिटिल बिट ब्लश करने के लिए, क्योंकि हिना खान ने भी अपने चीक्स को लिटिल बिट ही ब्लश करा, ज्यादा ड्रामेटिक ब्लश नहीं करा है। नाउ आई एम अप्लाइंग माई हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना हुडा ब्यूटी का 3D हाईलाइटर पैलेट। मैं बहुत ही सटल हाईलाइटिंग करूंगी बिकॉज हिना खान ने भी बहुत सटल हाईलाइटिंग करी हुई, बट या एट द टाइम उन्होंने बहुत अच्छी हाईलाइटिंग भी की हुई है। सो या अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे एंड लिटिल बिट अपनी चिन पे। स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड आई बोन्स को हाईलाइट करूंगी। हाई करूंगी अपने लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करी ब्यूटीफुल पिंक कलर में। इस पर अपने ब्लू हेवन की इन वॉइस, आई डोंट नो, ये मैट लिपस्टिक है, ये बुलेट काइंड ऑफ लिपस्टिक है, ब्यूटीफुल पिंक कलर है, जैसे कि हिना खान ने अप्लाई कर रखा है। सो या मैं भी यही अप्लाई कर। तो
समय है, अपना मेकअप फिनिश कर लिया है। आई विल जस्ट ट्राई टू बैक। तो मैंने अब अपना मेकअप लुक फिनिश कर लिया है ना, मैंने अपना हेयर स्टाइल भी फिनिश कर लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हेयर स्टाइल एंड ये मेकअप लुक मुझ पर कैसा लग रहा है। तो यार अगर आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर।